यूपी के फतेहपुर जिले में एक महिला ने खुद को बंदूक से गोली मारकर आत्महत्या कर ली। घटना से पहले घरेलू विवादों को लेकर कहासुनी होने की चर्चा सामने आई है। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने मृतका के पिता की तहरीर पर आरोपी पति के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का मुकदमा दर्ज किया है। घटना किशनपुर थाना क्षेत्र के गढ़ा गांव की है। क्षेत्र अधिकारी संजय सिंह ने बताया कि गढ़ा गांव में 26 वर्षीय महिला अनुराधा देवी ने घर में रखी पति की लाइसेंसी बंदूक से खुद को सिर में गोली मारकर आत्महत्या कर ली है। प्रथम दृष्टया घरेलू विवाद में आत्महत्या की बात सामने आई है। इस संबंध में मृतका के पिता की तहरीर पर आरोपी पति के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का मुकदमा दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। जनपद फतेहपुर थाना किशनपुर पर श्री रमेश द्विवेदी निवासी सरगंडी थाना अशोकिया जनपद फतेहपुर द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया है। उनकी बेटी अनुराधा उम्र लगभग 26 वर्ष का विवाह 11 जून 2015 को ग्राम गढ़ा खास थाना किशनपुर निवासी आशीष और पंकज तिवारी के साथ हुई थी। विवाह के बाद से ही पति देवर व स्वास द्वारा उनकी बेटी अनुराधा को प्रताड़ित किया जाता रहा। उनके उत्पीड़न से तंग आकर के उसने अपने पद के लाइसेंसी बंदूक से गोली मार के आत्महत्या कर लिया है। रमेश द्विवेदी के प्रार्थना पत्र पर थाना किशनपुर पर तत्काल उपलब्ध किया गया है। मृतका के शव को पोस्टमार्टम के लिए दिया गया है। अन्य आवश्यक विधि कार्रवाई की जाएगी। फतेहपुर से नाउ 44 के लिए बबलू सिंह की रिपोर्ट। सुल्तानपुर और अमेठी की सबसे पहले और सबसे तेज खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें नाउ 44 न्यूज चैनल।